फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रोप्स इंटरमीडिएट कंस्ट्रक्शन देखेंगे। इसको इन्वेंट करा गया था 1873 में सर विलियम ट्रोप्स के थ्रू। इसमें एक ग्लास बल्ब होता है जिसके अंदर हम पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करते हैं। वेन्स के टू साइड होते हैं, वन ब्लैक एंड वन सिल्वर और व्हाइट पेंटेड। ट्रोप्स रेडियोमीटर को हम लाइट इंजन भी कहते हैं, लाइट इंजन और स्पीड इंजन भी कहते हैं। दैट इज रन बाय द लाइट एनर्जी, एक हीट इंजन दैट इज रन बाय द लाइट एनर्जी। अब हम क्रूक्स रेडियोमीटर की वर्किंग देखेंगे। वैसे तो इसके वर्क तो बहुत सारे हैं, पर जो करंट में मोस्टली एक्सेप्टेबल है तो जब हम क्रूक्स रेडियोमीटर के ऊपर कोई भी रेडियंट लाइट सोर्स डालते हैं तो ये हीट इंजन की तरह काम करने लगता है। और हमें पता है कि हीट इंजन का ऑपरेशन जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसी टेम्परेचर डिफरेंस को बाद में मैकेनिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर एक रेडिएंट सोर्स डालते हैं, रेडिएंट एनर्जी का सोर्स डालते हैं, यहाँ पे हम रेडिएंट एनर्जी सोर्स दिखाएंगे तो ब्लैक साइड जो है ज्यादा एब्सॉर्ब करेगी बिकॉज ऑफ द ब्लैक साइड एब्सॉर्प्शन व्हाइट साइड की अपेक्षा। सो ब्लैक साइड विल बिकम हॉटर देन द व्हाइट और सिल्वर साइड। जब हम यहाँ पे लाइट सोर्स डालेंगे, जब हम यहाँ पे लाइट सोर्स डालेंगे तो ब्लैक साइड जो है हीट एब्सॉर्ब करेगी, तो जो मॉलिक्यूल इसके टच में है वो ज्यादा हीट हो जाएंगे इस व्हाइट वाले की अपेक्षा। सो यहाँ पे ये मॉलिक्यूल ज्यादा हीट हो जाएंगे। अब ये मॉलिक्यूल जो है इसके सरफेस पर टच करेंगे तो ये फिर से कूल हो जाएंगे, क्योंकि हमारे ये जो सरफेस है ये एम्बिएंट टेम्परेचर पर है। दिस इज एट एम्बिएंट टेम्परेचर। अब क्योंकि हमारा ब्लैक साइड में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो रहा है तो ब्लैक साइड ज्यादा हीट हो जाएगी, व्हाइट साइड की ये व्हाइट साइड कम हीट होगी, ब्लैक साइड ज्यादा हीट होगी। जब हम प्रूफ रेडियोमीटर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हमें ध्यान देना होता है कि ब्लैक साइड मेन है और ये व्हाइट और सिल्वर साइड की मेन होगी, थर्मली इंसुलेटेड होती है। थर्मली इंसुलेटेड मीन होती है कि ये इसके टेम्परेचर को रीच नहीं कर पाती, मीन्स ये डू नॉट कंडक्ट थर्मल एनर्जी। अब गैस मॉलिक्यूल